हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सीलिंग फैन का रेगुलेटर और उसकी पूरी वायरिंग डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। 3V पंचम बोर्ड है हमारे पास और एक 2A का रेगुलेटर है। ये कैप्टन कंपनी का रेगुलेटर है, आप काय में भी फिट कर सकते हैं। मॉड्यूलर प्लेट है आपके पास तो उसमें फिट कर सकते हैं, या पंचम बोर्ड है PVC उसमें फिट कर सकते हैं। और एक स्विच, ये 6 एम्पीयर का स्विच है। बहुत इजी है, आप भी कर सकते हैं। रेगुलेटर का एक वायर स्विच के नीचे वाले पॉइंट में लगाएंगे। ये 2 पिन वाला कनेक्शन वायर है हमारे पास, इसमें का रेड वायर जो है हम स्विच में लगाएंगे। थोड़ा रेड वायर का छोटा हमारे पास में एक छोटा सा वायर है, हम इसे रेगुलेटर से कनेक्ट कर लेंगे, जॉइंट मार लेंगे और टेप मार लेंगे। आप कितना भी बड़ा वायर ले सकते हैं आपके फैन के हिसाब से। वायर हम बोर्ड में से बाहर ले लेंगे। ये दोनों फेज है, देखिए वायरिंग आपको दिख रही, ठीक है, ऐसी वायरिंग करना है। जो रेड वायर है वो फैन के पॉइंट में लगाएंगे एक फेस। ये फेस का कनेक्शन हो गया, अब न्यूट्रल लगा देंगे। ये 2-1 का ही जो हमने एक इसमें लगाए थे स्विच में, वही एक न्यूट्रल वायर हम इसमें लगाएंगे फैन में। फेस हमने एक स्विच में लगाए और एक इसमें फैन में लगाएंगे न्यूट्रल। ये वायरिंग हो गई, अब 2 पिन लगाएंगे हम सॉकेट में और चेक करेंगे।
फ़ैन स्लो भी हो रहा है और फास्ट भी हो रहा है, बट आपको वीडियो में नहीं दिख रहा है। रेगुलेटर के अंदर ब्लू कलर की रिंग है जो आपको शायद कम दिखाई दे रही होंगी, जितनी स्पीड आप बढ़ाओगे उतनी ये ज़्यादा होंगी। ब्लू कलर की रिंग है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।